हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरके और आप देख रहे हैं आरके टेक जून। तो एक बार फिर हम अपने वीडियो में जो है मल्टीमीटर को ले रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मल्टीमीटर के किसी भी फीचर्स के बारे में, ना ही इसके यूजेस के बारे में, ना ही इसके जो है प्रिकॉशंस, कुछ भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे इस मल्टीमीटर के अंदर के राज कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह का इसका सर्किट होता है, क्या इसमें बैटरी, कौन सी बैटरी इसमें लगी होती है, इसको आज हम इसमें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसे हम फटाक से ओपन करते हैं। आप वीडियो को तब तक लाइक करो और कमेंट करो। यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पर जो प्रोब्स का जो बिल्कुल भी काम यहाँ पर नहीं है, तो इसे हम निकाल कर साइड कर देते हैं और इस मल्टीमीटर को देखते हैं निकाल करके कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले जो है पार्ट में कोई भी कनेक्शन इसका नहीं है और यहाँ पर ये जो है ये बजर है और यहाँ पर ये जो बैटरी है जो इसको पावर सप्लाई करता है और यहाँ पर जो प्रोब्स के कनेक्शन है और यहाँ पर ये जो पूरा है इसका पीसीबी और यहाँ पर ये जो है मेन प्रोसेसर यहाँ पर है और यहाँ पर ये जो है वो डिस्प्ले है। तो इस डिस्प्ले को हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें जो बैटरी लगी है वो है 9 वोल्ट की, इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये जो है नॉन रिचार्जेबल होता है, एक बार चलते उसको ये जो है रिचार्ज नहीं होता। तो ये जो ख़राब होगा तो इसको सीधा जो है न्यू बैटरी इसमें रिप्लेस करना होगा। और इस पीसीबी को भी निकाल कर देख ही लेते हैं कि इसका जो सामने का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो इसे भी निकालते हैं। चलिए पहले जो है हम इसकी जो बैटरी है वो निकाल देते हैं। ये इसका जो है टर्मिनल जो है इसका याद रखना होगा कि इधर जो है निगेटिव, इधर जो है वो पॉजिटिव था। तो इसको बैटरी को साइड करते हैं और अब जो है इस पीसीबी को निकाल के देखते हैं इसका जो है प्रोब के साथ क्या कनेक्शन, प्रोब का कनेक्शन। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये जो है नोब का कनेक्शन कुछ इस तरह से है। तो इसमें जो है कोई भी स्विच नहीं लगा है। इसका जो पूरा सर्किट का बहुत ही जटिल टाइप का जो है सर्किट है इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर पूरा देखिए जो पीसीबी में जो प्लेट बने हुए हैं इसके जो सर्किट है वो छोटे छोटे कितने सारे हैं। तो इसको जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो है कंप्यूटराइज होता है तो सारा चीज़ बहुत ही जटिल जो है होता है ये। तो सिर्फ इतना ही कुछ जो है होता है एक जो मल्टीमीटर है, जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसमें। और इसके अलावा जो यहाँ पर बैटरी और ये जो है इसका नोब हो गया और यहाँ पर एक और चीज़ है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर देख सकते हैं इसका डिस्प्ले बस इतना ही है, बस इतना सा छोटा सा देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है। और इसके डिस्प्ले में एक ख़ास बात होती है इस जो मल्टीमीटर में, वो जो आपको जो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। मैं ये बात जो है मुझे भी नहीं पता था, ये बात मुझे बस 2-3 दिन पहले जो है जब मैं मल्टीमीटर को जो यूज़ कर रहा था तो मुझे पता चला। क्या है वो ख़ास बात तो उसको मैं जो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो ये जो है उसका नोब है जिसमें हम जो है पॉइंट को सेट करते हैं और मल्टीमीटर को सेट करते हैं पॉइंट पे। तो ये इसमें जो है कुछ यहाँ पर छर्रे लगे होते हैं इसको सस्पेंशन बनाने के लिए। ये जो है कुछ इस तरह से इसमें लगा हुआ होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसमें ऐसे ऐसे इसमें जो है पॉइंट्स पे सेट करते हैं मल्टीमीटर को। तो ये जो है यहाँ पर इसे हम रखते हैं और बस एक जो मल्टीमीटर है उसमें कुछ इतने ही चीज़ें होती हैं। ये बजर बीप जो कंटिन्यू टेस्टिंग में जो है बीप का साउंड आता है वो ये है। और ये जो पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे जो है हम प्रोब्स लगाते हैं उसके लिए ये हो गया, हमारा जो नोब है उसके लिए। और ये जो है डिस्प्ले का पॉइंट्स है, तो ये जो है डिस्प्ले है। तो इतनी ही चीज़ें जो है एक मल्टीमीटर में होती है। और इस मल्टीमीटर की एक ख़ास बात है जो आपको मैं बताता हूँ।
तो मल्टीमीटर की जो खास बात है वो उसे जानने के लिए हमें इस मल्टीमीटर को फिर से असेंबल करना होगा। तो चलिए इसे हम असेंबल करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और कमेंट करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। के अंदर देख भी लिया मल्टीमीटर के अंदर की क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, और इसको असेंबल दोबारा असेंबल भी कर लिया। तो अब जो है इसकी जो एक ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जब भी आप इस जो है मल्टीमीटर को धूप में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 001, और जैसे ही मैं इसको जो है इसके जो डिस्प्ले है उसे मैं यहाँ पर ढक लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये तीनों जो है 00 हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको उजाले में रखता हूँ तो ये जो है यहाँ पर 001 मतलब यहाँ पर जो थोड़ा सा इरर हम कह सकते हैं। तो ये जो है इसके डिस्प्ले के कारण होता है, ये हमें यहाँ पर पता चल जाता है। जैसे ही हम इसे ढकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ढकने के बाद यहाँ पर 00 हो जाता है तीनों रीडिंग, लेकिन जैसे ही हम इसे उजाले में लाते हैं तो यहाँ पर ये जो है 1 हो जाता है। तो ये एक इरर हो सकता है और ये जो है डिस्प्ले के कारण होता है। अब इस डिस्प्ले का जो है डिटेल हम पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में पता चलेगा कि आखिर ये डिस्प्ले क्या कैसे जो है इसके कारण यहाँ पर जो एरर आता है। तो जब भी आप मल्टीमीटर को धूप में यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा धूप में आप इसे यूज़ करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर जो पॉइंट्स जो है ऑटोमेटिक बताया गया। यहाँ पर हमने जो प्रोब कनेक्ट नहीं किया फिर भी यहाँ पर जो है रीडिंग बता रहा है, जैसे देख सकते हैं आपको दिखा देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर धूप में ले जा रहा है तो ये 002 हो गया, जैसे इसे हम ढक देते हैं तो यहाँ पर देखना ये जो है वो 00 हो जाता है। यहाँ पर जैसे इसे ओपन करते हैं तो ये फिर से जो है रीडिंग बढ़ जाता है। तो यही जो है वो ख़ास बात थी इस मल्टीमीटर की, इसको इरर कह सकते हैं, ख़ास बात क्या है जो है इरर भी बोल सकते हैं इसे। तो जब भी आप मल्टीमीटर को धूप में यूज़ करें तो आप ये ना समझे कि मल्टीमीटर खराब है, वो जो है उसके डिस्प्ले के कारण वो जो इरर आता है। तो आज के सुनो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।